और ब्लेसिंग मिलेगी। जिस जिस स्टेट में, जिस जिस जगह पर मैंने ब्रांच खोल ली है, उस स्टेट से, उस कंट्री से मेरी सौ सौ बुराई हुई है। और वो कह रहे आया बट्टा इत्थे कदी नहीं आन देना नु बजिंदर सिंह नो। और देखो आज आपके सामने है, उनका स्वाद बिगड़ा हुआ है, मेरा स्वाद बना हुआ है, ब्रांचें खुली हुई हैं यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर आपका स्वाद बिगाड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आया है। आपका स्वाद जब बिगड़ता है, जब आप हद से ज़्यादा चिंता करते हैं, जब आप हद से ज़्यादा सोचते हैं, जब आप परमेश्वर को छोटा कर देते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा। लेकिन आज अगर आप डिप्रेशन में हैं, अपने हाथों को उठाओ। अगर आज आप बार बार बिजनेस में, अगर आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, आपको बार बार धोखा मिल रहा है, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज से आपको मांगना है, सिर्फ लिख लो अपने हृदय की पट्टियों पर कि परमेश्वर मेरे घर में, मेरे बिजनेस में, मेरे चर्च में, मेरी सेवकाई में पवित्र आत्मा वफादार लोग आ जाएं। याद रखना, इस साल के अंदर आपके चर्च में, आपके घर में आपके बच्चे भी, आपके परिवार के जन भी वफादार हो जाएंगे। नेमिया ने जब ऐसे प्रार्थना किया, कई साल से लोग शहरपनाह नहीं बना पा रहे थे इज़राइल के लोग, लेकिन नेमिया ने सिर्फ 52 दिन में बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने इस तरीके से प्रेयर किया था कि परमेश्वर मेरे साथ ईमानदार लोग जोड़ दे, वफादार लोग जोड़ दे। और उसके बाद 52 दिन में सिर्फ शहरपनाह बन गई, 52 डेज में जिनके लेंटर नहीं पड़े। मैं कह रहा हूँ कि क्यों कह रहा हूँ, कई बार एक आत्मा होती है, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, आपकी मौसी के लड़के आपसे जल रहे होते हैं, जलने वाली आत्मा, ईर्ष्या करने वाली आत्मा। दाऊद जब तरक्की कर रहा था, तब शाऊल उससे जलने लगा, और जब शाऊल जला, दाऊद को पता ही नहीं है कि दुष्ट आत्माएं उसके ऊपर अटैक कर रही थी, दाऊद के ऊपर। लेकिन दाऊद समझ नहीं पाया, लेकिन बाइबल बताती है दाऊद सबसे ज़्यादा चलाक था। और दाऊद ने कहा, भजन संहिता में लिखा, दाऊद में अपनी प्रेयर में बोलता था कि यहोवा तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। दाऊद ऐसी ऐसी बातें बोलता था कि शैतान भी हैरान हो जाता था। मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में, इसलिए आपको कहना है, अगर आप कार लेने जाते हो, घर लेने जाते हो दोस्त के साथ, और आप दोस्त को पूछते हो ये कोठी सही है, दोस्त ऊपर से बोलता है बहुत अच्छी है, जल्दी ले ले। लेकिन अंदर एक आत्मा बैठी होती है, वो मसीह लोगों के अंदर भी होती है, जो होती है जेलस वाली आत्मा, जैसे शाऊल के अंदर थी। और उसी समय जहाँ उसने भांजी मारी अंदर के, परमेश्वर देख ले तूने इसका काम बना दिया, मेरा नहीं बनाया, उसी समय स्टॉप। समझ रहे हो? अगर आप समझदार हैं, मैं हमेशा, मुझे देखकर बहुत सारे लोग जलते हैं, लेकिन मैं कैसे प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर जो जलते हैं उनकी आंखें बंद हो जाएं इस हफ्ते, और जो भुन रहे हैं मेरे से, परमेश्वर मेरे आसपास वफादार काम करने वाले लोग आ जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं तरक्की करता हूँ सिर्फ 52 दिन में, मेरा कोई काम 52 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता। आपको बता रहा हूँ, अगर 52 दिन से ज़्यादा रोकता है तो उसमें कोई मेरी भलाई है। अगर आपके जीवन में कोई काम रुका है, आज रात के बाद मैं उस एंजल को भेज रहा हूँ हाथ उठाने वाले लोगों के पास, आमीन बोलने वाले लोगों के पास, कह रहा है वो नमक स्वाद बना कर जाएगा। एक एंजल आएगा, स्वाद बनाएगा आज रात से। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो 52 दिन में तू तगड़ा होने वाला है, तेरी गवाहियां आने वाली हैं। पढ़ो नीति वचन 27 के बारे में, जब आपके साथ परमेश्वर नहीं रहता तो आपके काम नहीं बनते। पढ़ो जरा क्या लिखा, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। सारे बोलो हालेलुया। कितने भोले लोग बैठे हैं यहां पर, हाथ उठा के बताओ। बेचारे, बाइबल में लिखा भोले लोगों के साथ परमेश्वर नहीं चलता। और कितने लोग भोले को मानते हैं, भोले को देखते हैं, भोले के साथ चलते रहे कि नहीं? कह रहा भोला मतलब उसको जो हद से ज्यादा शरीफ, भोला
यहां पर लिखा भोला आगे चलकर दुख उठाता है। कैसे? एक लड़की थी और वो बहुत प्रार्थना करती थी, चर्च जाती थी, बाइबल भी टाइम पर पढ़ती, लेकिन भोली बहुत थी। वचन को भी पढ़ती है लेकिन भोले हैं, लेकिन कहना नहीं मानती थी वचन का। एक दिन वो बैग लेकर स्कूल जा रही थी, रास्ते में उसको सांप मिला और सांप कहने लगा, कह रहा बेटी बाहर बहुत बर्फ पड़ रही है, ठंड लग रही है, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए बैग में डाल ले। उसने कहा नाना तेरे को नहीं पता बाइबल में सांप को धूर्त कहा गया है, दुष्ट झूठा मक्कार, तू झूठा है। उसने कहा सच कह रही है तू, लेकिन प्लीज मेरे पर तरस खा ले, तेरे यीशु मसीह ने कहा है किसी पे भी तरस खाओ। वो बेचारी भोली उसने उठा के, क्योंकि जब वचन का ज्ञान मारते हैं लोग तो उसी समय तरस खा लेते हैं, उसने उठा के उसको बैग में रख लिया। और जब वो बैग में लेकर आगे जा रही थी, हालेलुया करती हुई, सांप बाहर निकला और उसके पेट पे काट लिया और उसी समय वो गिर गई। वो कहने लगी सांप के बच्चे झूठे मक्कार, मैंने कहा था ना तू झूठा है। सांप बोला बेटी बहुत भोली है तू, यीशु मसीह की बाइबल नहीं पढ़ी के भोले आगे जाके दुख उठाते हैं। कह रहा आज लोग वचन का ज्ञान जानते हैं लेकिन फिर भी वो काम करते हैं जो बाइबल में लिखा है कि नहीं करना, उसको करते हैं। इसलिए आज भी शैतान आपके बिजनेस को चाट रहा है, इसलिए आज भी वो आपकी हड्डियों को चाट रहा है, इसलिए बहुत सारे काम रुके हुए हैं। लेकिन भोले कह रहे कि चतुर निकल जाता है और भोले फंस जाते हैं। अगर कोई गलती होगी है आज हाथ उठाकर कहूं परमेश्वर मुझे चतुराई दे आज यीशु मसीह के नाम में, मुझे बुद्धिमान बना दे परमेश्वर। आज मैं कह रहा हूं आज आप बुद्धिमान बनेंगे और आशीष को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया खुदा ने यूसुफ के साथ क्यों था? कितने लोग जानते हैं यूसुफ के साथ क्यों था परमेश्वर? क्योंकि वो भोला नहीं था, वो चतुर था। वो प्रॉब्लम में गिरा लेकिन जानता था। रानी ने कहा मेरे साथ तू बहुत भोला है, तेरे साथ प्रॉब्लम है, कितना कर्जा है तेरे पर। और एक बार अब्राम ने क्या शादी नहीं किया, हम एक रात सो जाते हैं उसके बाद शादी कर लेंगे। लेकिन उसने कहा मैं इतना भी भोला नहीं हूँ, उसने कहा मैं यीशु मसीह का नमक हूँ, मैं गद्दारी करने वाला नहीं हूँ। उसने कहा मैं यीशु मसीह का नमक हूँ, मेरे अंदर कह रहा विश्वास है, कह रहा तू मुझे कुछ दे ना दे इतना भोला नहीं हूँ मैं, कह रहा तेरे लिए मैं भोला जरूर हूँ लेकिन बुद्धिमान हूँ, कह रहा मेरे अंदर चतुराई है, मेरे अंदर मैंने विश्वास रखा है, मैंने अंदर यीशु के लिए वफादारी रखी है अपने परमेश्वर के लिए। कह रहा एक दिन परमेश्वर मेरा स्वाद बनाएगा और तेरा बिगड़ेगा। लेकिन रानी ने उसको जेल में डाल दिया, बोलती अब कहाँ है तेरा स्वाद, बोलता है आज भी मेरा स्वाद बना हुआ है यीशु मसीह के अंदर। अगर आपका स्वाद बना हुआ है और उसके, मैं कह रहा हूँ जब उसने कहा यूसुफ ने कि परमेश्वर के अंदर मेरा स्वाद है, वो एक दिन मेरा स्वाद बनाएगा। और थोड़े ही दिन के बाद परमेश्वर ने उसी देश के अंदर जेल से निकाल कर प्रधानमंत्री बना दिया। याद रखना अगर आप किसी परिस्थिति में हो, घटी में हो, बीमारी में हो, कर्जे में हो, फिर भी आपने अपना स्वाद बिगाड़ा नहीं है, आपने अपने विश्वास को तोड़ा नहीं है, संभाल कर रखा है। मैं कह रहा हूँ अगला साल नहीं यही साल आपके बच्चों का गवाहियों के साथ स्वाद बना कर जाएगा। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं आमीन। जॉब के साथ स्वाद बने, हालेलुया। चंगाई वाला स्वाद आए, आमीन। तरक्की वाला साल आए, आमीन। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। यस, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर कहूं आज ईमानदारी का वफादारी का पवित्रताई का प्रेर करने वाला विश्वास का नमक मेरे अंदर आ जाए। जिसके अंदर आ रहा है वो आशीषों को डबल होता देख रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। विश्वास करना आज सेब कहीं डूबेगी नहीं, आज आपके बिजनेस डूबेंगे नहीं, परमेश्वर फिर से उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो मरकुस 2:4-5 को पढ़ेंगे हम। हाँ हाँ, यीशु ने उनको विश्वास उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। पढ़ता रहे। परंतु वे भीड़ के कारण उसे अंदर ना ला सके
तो उन्होंने उसको छत के नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उधेड़ चुके तो उसे खाट को जिस पर वे लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। आगे आगे पढ़ता रहना। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस रोगी से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। सारे बोलो हालेलुया। ये स्टोरी आप ध्यान से पढ़ें, देखो क्या लिखा इसके अंदर। कह रहे हैं कि यहां पर एक लकवे का मरीज था और उसके अंदर भोलापन था, भोलापन। काफी साल से प्रभु को जानता है लेकिन भोला बना हुआ है, बेचारा भोला। पैरालाइज का पेशेंट है लेकिन भोला है। और एक दिन क्या हुआ उसके साथ, उसको बीमार पड़ जाता है और पैरालाइज हो जाता है। लोग बोलते हैं उसको कि चल यार, यीशु मसीह के दरबार में जो लोग जाते हैं वो चंगे हो जाते हैं। ओए सामने का कैमरा रख। हाँ, और इसी समय तो कोई बात नहीं, इधर कर। हाँ, आप सुन रहे हैं ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। इधर आजा, सामने आजा। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। इधर दिखा कैमरामैन। हाँ, अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ, सुनेंगे। देखो, यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को चंगाई देना चाहता है लेकिन कुछ लोग भोले बने रहते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए वो चंगाई को नहीं देखते। यहाँ पर ये पैरालाइज का पेशेंट था और इसकी लाइफ में एक बार इतनी बड़ी बीमारी आती है, इसको पैरालाइज हो जाता है। और इसके दोस्त इसके घर पर आते हैं और इसको बोलते हैं, यीशु मसीह चमत्कार करता है, हम चर्च चलें। लेकिन वो उसी समय क्या बोल रहा होता है अपना अपने दोस्तों को, वो कह रहा होता है, वहाँ तो बड़ी भीड़ होती है, वहाँ जाएंगे तो छू भी नहीं पाएंगे, दूर से ही प्रॉफिट बोलता है जाओ टंगे हो जाओ। उसने कहा अच्छा, उसने कहा नंबर नहीं आता, उसने कहा भोला है तू, कह रहा विश्वास रख, अपने अंदर विश्वास का नमक रख। लेकिन वो बंदा लेकिन विश्वास का नमक नहीं रख पा रहा था। लेकिन उसके साथ उसके चार दोस्त वफादार थे। अगर मैं कह रहा हूँ आपके दोस्त चार वफादार हैं, आज रात तुम बड़े बड़े मिराकल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। उसके दोस्तों ने क्या किया, जब उन्होंने उसका विश्वास देखा कि ये उठने वाला नहीं है, तो उन्होंने उसकी खाट उठा ली और खाट उठा के सिर पे रख लिया और चल पड़े जहाँ पर यीशु मसीह छत के नीचे प्रचार कर रहा था। और उस झोंपड़ी के अंदर, जिस कमरे के अंदर, घर के अंदर प्रचार करता, स्क्रीन पर देखो। और उसी समय उन्होंने क्या किया, उसकी छत फाड़ दी और फाड़कर उसी समय उस झोपड़ी में से खाट को नीचे लटका दिया। और वो बूढ़ा क्या कर रहा, पैरालाइज वाला बोलता, अबे क्या कर रहे हो, अभी तो एक तरफ का हिस्सा बीमार है, दूसरा भी तोड़ोगे क्या? कह रहे छत फाड़ के नीचे गिराओगे? अरे बीमार करने लाए, चंगा करने लाए हो के बीमार करने लाए हो? उसके दोस्त लोग कह रहे थे, कह रहे वफादार दोस्त हैं तेरे, नमक है हमारे अंदर, विश्वास है हमारे अंदर, कह रहा यीशु मसीह चमत्कार का नमक आज डालेगा हमारे अंदर। आमीन। कह रहा आज वो हमारा स्वाद बनाएगा, हमारे दोस्त का स्वाद बनाएगा, हमारी बेटियों का बेटों का स्वाद बनाएगा, जो बीमार है आज उनका स्वाद बनाएगा। आज आप एक नए स्वाद को चख कर जाएंगे, आज आप एक नई गुड न्यूज को देख कर जाएंगे। और उसी समय जब उसकी खाट नीचे लटकाई तो उसी समय कुछ लोग दौड़े दौड़े आए, बोलते अरे ये क्या कर रहा है? अरे कहते मकान मालिक से तो पूछ ले, वॉलंटियर गए। जब वॉलंटियर पीछे से देखते हैं कि लोग आगे आ जाते हैं, घुस जाते हैं, वॉलंटियर बोलते हैं अबे तेरा दिमाग खराब है, चल पीछे चल। वो बोलते हैं हमारा दिमाग खराब नहीं, हमारा विश्वास है, हम प्रॉफिट बजिंदर के आगे खड़े होंगे, हम चंगे हो जाएंगे। और उसी समय वॉलंटियर कह रहे थे यीशु मसीह के, अरे तेरा दिमाग खराब है, तूने छत फाड़ दी। मकान मालिक से पूछा, कह रहा छत कौन ठीक कराएगा? कह रहा जो लोगों के हार्ट को ठीक करता है, जिनके हार्ट का लेंटर डालता है, कह रहा इस आदमी के छत का लेंटर भी वही डाल देगा आज। विश्वास है उनके अंदर, विश्वास का नमक है उनके अंदर। और उन्होंने चारों ने वो खाट लटका दी है, और जैसे ही उनके अंदर नमक देखा यीशु मसीह ने, विश्वास देखा, और देख कर यीशु मसीह हिल गया, कहता ओ बेटे। कह रहा लोग सामने से आते तो देखे, पीछे से मेरे को पकड़ते देखे, इधर से मेरा कुर्ता खींचते देखे, इधर से खींचते देखे। कह रहा पहली बार है जो ऊपर से भी खींच रहा कोई मेरे को। कह रहा
हिल गया यीशु मसीह, बोरा कह रहा ऐसा विश्वास वाला नमक तेरे अंदर किसी के अंदर नहीं देखा यार, कह रहा ऐसे वफादार लोग किसी के साथ नहीं देखे, कह रहा जाओ आज के बाद तुम्हारा पैरालाइज पेशेंट बीमार नहीं रहेगा, कहता जा तेरे पाप क्षमा हुए, कह रहा अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो चलने फिरने लगा। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूँ जितने लोग आज विश्वास वाला नमक लेकर आए हैं अपने अंदर रखना, कल रात इस साल भी इसी साल के अंदर तुम्हारे अंदर ऐसा स्वाद वाली गवाही बनाकर भेजेगा परमेश्वर। आमीन बोलने वालों के स्वाद आ रहा आज, प्रार्थना करने वालों को स्वाद आएगा आज। आप तैयार हैं कि नहीं? हो सकता है आपके अंदर स्वाद हो या ना हो, लेकिन अगर हो सकता है आज आपके कैरियर को किसी ने बिगाड़ दिया हो, आपका बिजनेस डूबने वाला हो, या आपका स्वाद किसी ने बिगाड़ दिया हो, लेकिन आज रात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका स्वाद किसी ने बिगाड़ दिया है, प्रार्थना करने वालों का स्वाद इस साल में फिर बनेगा, परमेश्वर बनाएगा। आमीन। याद रखना ये यीशु का वायदा है, प्रार्थना करने वालों का साल ये साल करा सेलिब्रेशन का साल होगा। आमीन। क्या आप आमीन बोलकर तैयार हो सकते हैं? यस। एक बार पतरस सेवकाई कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, लेकिन उसके विचारों में शैतान ने उसका स्वाद बिगाड़ दिया। बड़ी बार उसने जाल डाला लेकिन मछलियां नहीं पकड़ी गई, लेकिन उसका बिजनेस डूबने पर था, पतरस निराश था, उसकी सेवा डूबने पर थी, वो निराश था। लेकिन एक बार उसी समय यीशु मसीह किनारे पर आकर खड़ा हो गया और उसने वाद लगाया, उसने कहा पतरस विश्वास कर, कह रहा तू मेरा नमक है, कह रहा मैं तेरा स्वाद बिगड़ने नहीं दूंगा। और उसी समय उसको बोलता है विश्वास कर, जब तू पानी में डूब रहा था मैंने तेरा हाथ पकड़ा, तो विश्वास रख, आज तेरा बिजनेस में कैसे डूबने दे सकता हूँ। याद रखना जब आप डूब रहे थे परमेश्वर ने आपको बचाया, जब आप तन्हाई में थे, आप घबराहट में थे, चिंता में थे, परेशानियों में थे, तब आपको परमेश्वर ने बचाया। लेकिन अगर आज आपने अपने अंदर विश्वास का नमक नहीं रखा तो परमेश्वर आपके किनारे पर नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों के बिजनेस डूबने पर हैं, उनके शरीर डूबने पर है, उनका हार्ट लीवर मरने पर है, डैमेज होने पर है, डूबने पर है। लेकिन आज उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा कैरियर डूबने पर है, आपको आज अपने अंदर नमक को डालना है, आज विश्वास के नमक को डालना है। जितने आमीन बोल रहे हैं आमीन, उनके कैरियर फिर से बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग डूबने वाले हैं, किनको लगता है कि शायद मेरा बिजनेस डूब जाएगा, दुकान छोड़नी पड़ेगी, ये घर छोड़ना पड़ेगा, ये समाज छोड़ना पड़ेगा, ये देश छोड़ना पड़ेगा, कईयों को ऐसा लगता है, या कोई ऐसा बैठा हो यहाँ पर, ये सेवकाई छोड़नी पड़ेगी, मेरा काम चलने नहीं वाला। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको लगता है, कितने लोगों को तैरना नहीं आता, हाथ उठा के बताओ, कितने लोगों को तैरना आता पानी में। मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा, जब तक आपको तैरना नहीं आता। मैं आपको एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, जाओ आज से आपको तैरना सीखना है। परमेश्वर ने बड़ा इंजीनियर बनाने से पहले, बड़ा पास्टर बनाने से पहले, बड़ा बिजनेसमैन बनाने से पहले मुझे एक बार परमेश्वर ने कहा था, कह रहा बेटे पहले पानी में तैरना सीख। मैं एक जगह पास्टर बनने से पहले मैं एक तालाब को ऊपर से देख रहा था और उसी समय परमेश्वर ने मुझे पानी में धक्का दे दिया और मैं ऊपर से गिर गया। दो शरारती लड़के आए और उन्होंने मेरा हाथ पैर पकड़ा और मुझे ठांके डाल दिया उसके अंदर। गांव के आवारा थे, कहते सुसाइड करने आया है, कहाँ सोच रहा है, कह रहे जा सुसाइड कर, अरे कहा बेवकूफ कहीं के, और उन्होंने पानी में डाल दिया और भाई साहब वहाँ से भाग गए। और मैंने कहा कोई भी नहीं है पास में, मैं ज़ोर से चिल्लाता रहा, मैंने कहा बचाओ बचाओ डूब रहा हूँ, हाय डूब रहा हूँ बचाओ, मैंने कहा यीशु। और उसी समय पता नहीं क्या हुआ, मेरे है हाथ पैर अपने आप तैरना सीख गए। हालेलुया। और मैं कुत्ते की तरह हूँ यूं करता करता, आपको पता कुत्ता ऐसे करता है,
पानी में, और इस समय जब डूब रहा था जिसको तैरना नहीं आता उसके हाथ भी पहले ऐसे त्याग, और इस समय वो मैं ऐसे करता करता किनारे पर चला गया, और मेरा दिल किया, मैंने कहा एक बार और तैर के देख, और मैं एक बार पानी में और कूदा और मुझे तैरना आ गया। हालेलुया, आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं शैतान आपको डुबाना चाहता है, शैतान आपको गिराना चाहता है, लेकिन अगर आप मसीह में आए हो, आप प्रार्थना करने के बाद भी आपको लग रहा है डूब हाँ, डूब रहा हाँ, मेरे पितरे डूब रहे हाँ, हाँ, मेरी बीमारी हाँ, हाँ। अरे डूब नहीं रहे, आपको किनारे पर यीशु खड़ा है। पतरस डूब रहा था, बिजनेस डूब रहा था, लेकिन यीशु किनारे पर आ गया। किसके लिए? जब वो चिल्लाया, उसने अपने अंदर विश्वास रखा था। मैंने पानी में डूबते हुए मम्मी नहीं बुलाया। जब हम पहले मुसीबत में होते थे, छोटे बच्चे, तो क्या बोलते थे? मम्मी बचाना। लेकिन मेरे मुंह से यीशु निकला। पहले माता निकलता था, अब पिता निकलता है, यीशु निकलता है। और जैसे यीशु निकला, मुझे बचाने आ गया। मैं कह रहा हूँ कि आज रात अगर किसी ने फैसला ले लिया है कि आपके कैरियर को डुबोएगा, अगर शैतान ने फैसला ले लिया है कि मैं इस आदमी को मारूंगा, इस बीमारी से मारूंगा, मैं इस जादू टोने से मारूंगा, मैं कह रहा हूँ आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डूबने से, आपके बिजनेस को, आपके कैरियर को, आपके सेवकाई को डूबने से मेरा यीशु आज रात बचाने के लिए आने वाला है। यीशु मसीह के नाम। एक बार मैं इंग्लैंड जा रहा था, और उसी समय इंग्लैंड में मेरी बहुत बड़ी मीटिंग थी, लेकिन किसी ने मेरी सेवकाई को डुबाना चाहा, मेरे पर झूठा इल्जाम लगा दिया, और मुझे पता ही नहीं था, और मुझे एयरपोर्ट से पकड़ लिया और मेरे हाथ में हथकड़ी डाल दी, और मुझे जब पुलिस थाने में बिठा दिया गया, तो मैंने ऐसे दोनों हाथों में हथकड़ी निकाल कर फोटो खींच कर मैंने उसी समय अपने पास्टर को भेजा। मैंने कहा मेरे लिए प्रेयर कर। उसने कहा डोंट वरी। और उसी समय मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर अब तो वहाँ इंग्लैंड की सेवकाई कैसे होगी, ये मीटिंग डूब जाएगी कैसे होगी? परमेश्वर ने कहा कि जो तेरी मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दान देता है उसको बोल जा, और चर्च में जाकर ऐसे हाथ कर, कुछ करना ना पड़ेगा, काम मैं करूँगा वहाँ पर जाकर। मैंने उस औरत को फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगाकर उसको कहा ये देख फोटो भेजी है मैंने तेरे को, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी सेवकाई डुबाना चाहता है कोई, लेकिन परमेश्वर का नमक मेरे अंदर है, मैं वफादार, वफादारी का नमक है, अगर तूने मेरी मिनिस्ट्री का नमक खाया है तो खड़ी हो जा वहाँ पर जाकर, और परमेश्वर तेरे साथ होगा, विश्वास का नमक लेकर जा अंदर। और वो कहने लगी मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने कहा तू जा तो सही, और वो गई वहाँ पर खड़ी हुई, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, इंग्लैंड में हल्ला मच गया। वो कहती मेरे को कैसे इस्तेमाल कर लिया यीशु मसीह ने? मैंने कहा क्योंकि तेरे अंदर PBSM की ईमानदारी का नमक था। तेरे अंदर, अगर तुम्हारे अंदर आज यीशु की ईमानदारी का नमक है, मैं कह रहा हूँ आज रात तुम्हें डूबने नहीं देगा मेरा परमेश्वर, इस्तेमाल करेगा। आज आज वो औरत हमारे बीच में, पास्टर निर्मल यहाँ पर बैठी है, जोर से ताड़ी बजाएंगे इसके लिए। उस दिन से परमेश्वर ने इसको पास्टर बनाया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप छोटी छोटी बात के लिए घबरा जाते हो, आप समस्या में चले जाते हो, परमेश्वर का आत्मा आज रात आपको डूबने से बचाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने तैयार हैं अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज परमेश्वर मैं अपने अंदर नमक रखूंगा, मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा जी आज कि तू मेरी जिंदगी में काम करेगा, मुझे आशीर्वाद देगा। अगर आज आप विश्वास करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज यीशु का नमक आपके अंदर ट्रांसफर होगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। याद रखना, बर्बाद वो होते हैं जिनके अंदर ईमानदारी नहीं है। दूसरा राजा 2:21 में ईमानदार था अलीशा। अलीशा ने अपनी लाइफ में क्या किया कि 2 बार अलीशा को तोड़ने के लिए, उसके चर्च से तोड़ने के लिए उसके पास आए, लेकिन अलीशा ने
बार बार कहा, कहता मैं एलिया की मिनिस्ट्री में जाता हूं, मैंने वहां की वफादारी का नमक खाया, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। और उसी समय परमेश्वर ने उसके अंदर ईमानदारी का नमक देखा, यूसुफ के अंदर पवित्रताई का नमक देखा, दाऊद के अंदर धोखे वाली आत्मा को नहीं पाया। अगर परमेश्वर ने आपके अंदर ये चीजें देख ली, आज आपके बच्चे इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। सबसे बड़ा प्रॉफिट बना एलीशा। और जब हम पढ़ते हैं इस वचन को, पढ़ो पास्टर धर्मेंद्र के साथ। तब वे जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यों कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वे फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। यहां लिखा एलीशा ने एक नमक लिया प्याले के अंदर और उसमें पानी डाल दिया और प्रार्थना किया और उसने कहा, परमेश्वर जैसा स्वाद तूने मेरा बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि मैं एलिया की मिस्ट्री के साथ प्रभु तेरे साथ पवित्रताई का नमक खाया। तो कह रहा वो अनॉइंटिंग दे मुझे, जो बीमार लोग मेरे चर्च में आए हैं, कह रहा आज रात उनके अंदर मौत आने ना पाए, चंगाई वाली आत्मा आने पाए, सांप पर बिच्छू खत्म हो जाए, वो कीटाणु मर जाए, वो हीलिंग पैदा हो जाए, बंधन टूट जाए। और उसने जब औरतों को दिया, जो बांझ थी वो चंगी हो गई, जिनके गर्भ मर जाते थे वो चंगे हो गए। याद रखना, जो आपको डब्बी दी है नमक की, अपने हाथों में उठाओ। अगर आज आपके अंदर नमक है तो हम स्क्रीन पर ये प्रार्थना करेंगे, बोलो मेरे साथ। मैं कह रहा हूं आज अपने हाथों में विश्वास का नमक उठाओ, ये पवित्रताई का नमक। आज उठाकर कहूं, परमेश्वर में पवित्रताई का नमक अपने हाथों में उठाता हूं। मैं इसी समय ये ईमानदारी का नमक, वफादारी का नमक आज तेरे हाथों में उठाता हूं। मेरे प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूं, प्रभु मैं पश्चाताप, मैं आज के बाद, मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगा परमेश्वर, नहीं करूंगा परमेश्वर। बोलो परमेश्वर को एक कोर्स गांव छोटा सा शाबाश। और उसी समय देखो, आज आज ये नमक आपकी जिंदगियों में स्वाद डाल कर जाएगा। जितने आमीन जोर से चिल्ला रहे हैं, आज आपके बिजनेस में स्वाद डाल कर जाएगा, एक बड़ी गवाही डाल कर जाएगा, बड़ी चंगाई की गवाही आएगी आपके अंदर, स्वाद आएगा। दो घंटे के अंदर आप एक बड़ी मिराकल को देखोगे। बोलो, मैं अपने सब दुश्मनों को माफ करता हूं, सब दुश्मनों को माफ करता हूं, मैं अपने अंदर की कड़वाहट को बाहर निकालता हूं आज, अपने अंदर की कड़वाहट को बाहर निकालता हूं। लिख लो, स्क्रीन पर लिखा है, पढ़ लो, स्क्रीन पर देखो और लिखते रहो और बोलते रहो, मैं अपने सब दुश्मनों को माफ करता हूं, मैं अपने सब दुश्मनों को माफ करता हूं, मैं अपने अंदर से हर पाप को, मैं अपने अंदर से हर पाप को बाहर फेंकता हूं, बाहर फेंकता हूं, निकाल देता हूं, निकाल देता हूं। मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। याद रखना, इस नमक में ताकत है, जो आपने कहा है, वायदा किया है, आज से इस हफ्ते के अंदर आपके साथ मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, जिन्होंने आज नमक पकड़ा है, इनको गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ, हाथों को उठाओ और गाओ शाबाश यीशु के नाम में, बोलो आमीन। हमारे बीच में जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे, हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। हमारे बीच में
हमारे बीच में। हाथों को हिलाते हुए सब अपने हाथों को खड़ा कीजिए। सिद्धियां कर दे बटा लग जावे ना बेला की धीरे सिद्धियां कर दे बटा चानन चमके चमके चार छपेरे कर दे दूर हनेरा अपने पाक लहू नाल यीशु तन मन रंग दे मेरा ऐ अपने पाक लहू तन मन रंग दे मेरा तो के गुनावा तो नवा कर दे नवा कर दे तो के गुनावा तो नवा कर दे नवा कर दे सुखी होए रुखी बाबू
को खड़ा कीजिए सब जन मेरे अजीजों, अपने हाथों को खड़ा कीजिए सब जन। खुदा बन तेरे होते हैं, खुदाबन तेरे शून्य से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा। लंगड़े चिलोए तू देता है जीवन नया, मुर्दे चिलोए तू लंगड़े चिलोए तू देता है जीवन नया। बड़े बड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय।
बार जोरदार तालियों से फिर स्वागत करेंगे प्रभु के दास का। जोर से चर, जोर से सारे बोले हालेलुया। अपने हाथों में नमक पकड़ो, शाबाश। अपने हाथों में नमक पकड़ो और इसे ऊपर उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने समय पवित्र आत्मा जी नमक पकड़ा अपने हाथों में, पवित्र आत्मा आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पथरियाँ बाहर जाएं, रसोलियाँ बाहर जाएं, कैंसर के पेशेंट आजाद होने पाए और इसी समय एक बड़े छुटकारे को देखने पाए। उठो मत, नीचे बैठ जाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो मुझे इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथ में नमक पकड़ा है, जो ब्रांचों से मुझे देख रहे हैं, पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, छुटकारे रिलीज। एक बड़ा अभिषेक ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आप नमक लो और उसको थोड़ा सा खा कर देखो, थोड़ा खाओ, शाबाश। सबने नमक खा लिया? आपने आज PBSM चर्च का नमक खाया, गद्दारी मत करना। Yes. हालेलुया। हालेलुया। नमक खाने वाला गद्दार नहीं होता, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। कितने लोग तैयार हैं? लाली के बच्चे, तूने मेरा नमक नहीं खाया, नमक खाया गद्दारी मत करना। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो, नमक खाओ, नमक। पता नहीं कांच का दिमाग। सुनो, आप में से यहाँ पर अंजू कौन है? अंजू, अंजू, हाँ हाँ, कहाँ से आया? हाँ, वहीं खड़े रहो, वहीं। बाकी हाथों को उठाओ, हाँ हाँ, अंजू, 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 हाँ, कहाँ से आए आप? गुरदासपुर फतेहगढ़ चूड़िया से। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एक ही अंजू नहीं है यहाँ पे, हट जा। जो जो हाथ उठा रहे, हाँ, कहाँ से आए? माइक जम्मू से। हाँ हाँ, अंजू कहाँ से आए? नेक्स्ट, हाँ, लुधियाने से। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, पूछते रहो, बाहर निकालो सबको। हाँ, मेरा घर का नाम अंजू है पापा। मुझे क्या लेना आपके घर का, बाहर का नाम, जो नाम है आपका बताऊं? फटाफट सामने आ जाओ, शाबाश, जल्दी जल्दी। अंजू, ओथो ईमान से। हाँ हाँ, बस तीन चार, पांच चार लेडीज, बस बस बस, हाँ बस, अंजू, हाँ। अरे तो हार भी अंजू है, निकल कर आओ फटाफट, बस। बाकी बैठ जाओ, बाकी वहीं रहो। अब जिस अंजू के पास बेटा नहीं है, अब वो हाथ उठाओ और वो साइड में खड़े हो जाओ, बाकी साइड में हो जाओ, बोलो हालेलुया। हाँ भाई, किसका नमक खाओगे आज? यीशु का, पक्की बात है? ठीक है, वो नहीं नहीं, अपनी चुनी वाला नमक नहीं खाना। ले भाई, इधर आ, धर्मेंद्र, इनको मेरा नमक खिला। आज के बाद गद्दारी नहीं करना मेरे साथ, कभी उस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? कभी इधर फल ढूंढने जा रहे हैं, कभी इधर। प्रभु जी, अगर ये बहने ईमानदार रहें, अनिशा ने प्रार्थना किया, मैं करता हूँ। पकड़ लो अपने हाथों में, और जो लोगों के पास डबी हैं, मैं इसी समय उस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु ये मिराइकल को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। ये वाली पिंक सूट वाली आ गया अंजू, तो हर डब्बी कहाँ है? माइक कर, वहाँ पे रख दिया हूँ। वहाँ पे रख दिया हूँ, कहाँ रख दिया हूँ? तुम्हें पता नहीं है, पास्टर बजिंदर बुलाएगा, अपने सब कल से अपनी डायरी लेकर आया करो, होमवर्क दिखाया करो, क्या करके लायो। मेरी मैडम स्कूल में मुझे रोज दो डंडे लगाती थी, मैं भी डंडा लेकर आया करूँगा। इधर कर हाथ, नमक खाना है आपने, किसका नमक खाएगी? यीशु का है, यीशु का। अभी तो हमारा है, ये यीशु ने हमें भेजा है, इसको अपना नमक खिलाओ। और अगर तू ईमानदार रही
EBSM के साथ ये देख हमारे नमक में ताकत है कि नहीं, ये देखो तुम्हारे हाथ पर पड़ रहा है, ओ देखो तुमको तनिका हो रहा है, देखो कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं, हमारे नमक में ताकत है कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं, ओ इसके नीचे तना तेरा थोड़ी से, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, आज तक चुप, आज तक गर्मी में भी हमको भी चक्कर आ गया था, हम ही नमक खा लेते हैं, देखा नमक में ताकत है कि नहीं, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हाँ हाँ उठाओ इसको उठाओ, देखा जब हमने अभी हाथ पर डाला है, जब मुंह में जाएगा कितनी ताकत पता लगेगी, ये अभिषेक है, आपको यीशु मसीह का नमक बनना है और प्रॉफिट बजिंदर का नमक खाकर जाना है, इसलिए मैंने आज लंगर लगाया पीछे, आगे को आजा आगे को, हाँ कहाँ से आए हो तू? लुधियाने से। हाँ मैं इस नमक में देख रहा हूँ और नमक में एक आंख बंद करके देखना पड़ेगा। अंजू है तेरा नाम? हाँ जी। महेंद्र कौन है? मेरे पति हैं। बड़े बड़े काम करता है, सामर्थ्य खुदा तेरा। हालेलुया। मैं इस नमक में देख रहा हूँ तेरे को बेटा हो रहा है। यस आमीन। और डॉक्टर ने बोला मेंसेस नहीं आता। डॉक्टर ने बोला तुझे नहीं हो सकता। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोलते कुछ भी नहीं हो सकता है यार। उसको बोला काहे नहीं हो सकता है? काहे? बोलो काहे नहीं हो सकता? काहे नहीं हो सकता? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ही पूछ रहा हूँ, डॉक्टर से पूछना काहे नहीं हो सकता बताओ ना, कारण क्या? बोलते वो सारा इलाज कर चुकी मैं, कोई मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है, ऊपर की भरोसे रहो तुम, ऊपर के भरोसे रहो तुम, ठीक है अब थोड़ी देर नीचे आओ और लो फिर से नमक खाओ, इसको चाटना अब, हाँ चाटो इसको, हमारा नमक जा रहा है पेट में, हालेलुया, तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला, का नमक इसके पेट में, वो अनॉइंटिंग, वो अनॉइंटिंग, वो सॉल्ट अनॉइंटिंग, ये सॉल्ट अनॉइंटिंग है, मैंने कहा गूंगे भी बोलेंगे आज बहरे भी सुनेंगे, वो तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला, तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला, कहां से आया आप? आगे जा चुपचाप फटाफट, पहले चुप आगे आ जा, आगे आ फटाफट, कहाँ से आई? सुनो गुरदासपुर से, गुरदासपुर से, हाथ करो आगे, तनिक हमारा नमक खा लो तुम भी आज और देखो क्या हो रहा है। बिगड़ी में हार गई, अपने रोग तो हार गई, हुणी कदे भी ना किसे बलि जावांगी, हुणी कदे भी ना किसे बलि जावांगी, नमक खा के ये गीत जरूर गाना, हुण कदे भी ना किसे वाल जावांगी, ओ हुण कदे भी ना किसे वाल जावांगी, हुण कदे भी ना किसे वाल जावांगी, ओ तेरा पल्ला झुके पल्ला हो जावांगी, ओ यीशु गीत हुण एवे गा, हुण तेरा नमक खा के मैं किथे भी ना जावांगी, तेरा नमक खा के हुण किथे भी ना जावांगी, हुण मैं चंगी हो जावांगी अज, तेरा नमक खा के चंगी हो जावांगी, ओ यीशु जी तेरा नमक खा के चंगी हो जावांगी, हालेलुया। समझ में आ गया? क्या खाओगे बच्चा घर जाके? आज कहेंगे कैसा पादरी आया, कभी सेब खिलाता कभी चीकू खिलाता कभी नमक, अरे क्या करूं, अलीशा ने नमक खिलाया अपने चर्च में, कि ये लोग गद्दारी ना करें, आज इधर जाते हैं कल उधर जाते हैं, कल झाड़े वाले के पास, कल हाथ दिखाने वाले के पास, कल तागे लेने वाले के पास, किसके पास जाना है?
जिसु जी तेरा पल्ला झुके चंगी हो जामा की ओ जिसु जी तेरा पल्ला। अरे किसके पास जाना है देखा ना दोनों को गुड न्यूज में, लेकिन दोनों को बच्चा होगा पेट में इनके ब्लेसिंग आएगी। तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, आगे आओ ना तनिक आगे आओ ना लहात करो आगे और इसको चाटो और रिसीव करो। देखो 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 आ अरे क्या हो गया है मुंह पे कैमरा कर, अरे क्या हो गया है क्या हो गया, अरे नमक खाने के बाद अरे ये क्या हो गया है, अरे हमारे नमक में ताकत आ गई यार। ओ तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला झुके तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके। अरे चार की चार बहनों ने नमक खाया आज, अरे क्या हुआ गया है, अरे भैया इसमें कुछ है आज बोलो पंजाबियों के अंदर क्यों नहीं कहते, अरे कुछ है गया अंदर, वो है गया अंदर कह रहा अपने अंदर आज नमक लेकर रखना। नौ के पचास में लिखा मरकुस में अपने अंदर नमक रखना, अपने अंदर नमक। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर को आज विश्वास का नमक मिला तुम्हारा गवाहियों का स्वाद बन जाएगा आज रा। तेरा नूर हो अरे क्या खा लिया तूने, क्या खा लिया, नमक नमक खाया, किसका नमक खाया, यीशु का, यीशु का तो खाया खिलाया किसने, बाबा जी का, PBSM का भी नमक खा लिया तूने, अब तुम पृथ्वी के नमक हो। कितने बच्चे हैं तेरे पास, एको नहीं, शादी कितना हो गया, चार साल, चार शादियां, यस, नहीं चार साल, अच्छा, शादी को चार साल हो गया, यस पापा, अच्छा, चार साल शादी को हो गया, बच्चा नहीं है, नहीं, नहीं है, एक बार और नमक खाना, देखो ये का है, देखो का हो रहा है, देखो देखो वो तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला झुके तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला झुके तुझी तेरा पल्ला झुके चंगी हो सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अरे इसने चार साल वाली ने नमक खा लिया है, सारे बोलो हालेलुया। देखा ठीक थे कि नहीं, इनको तुम उठाओगे अपने आप उठ नहीं पाएंगे, देखो उठो, देखो फिर गिर रही है, हाँ देखो बहन उठो, कैमरा शर्म नहीं आ रही तुम्हें, कैमरा कौन चला रहा है, हाँ उठो और देखो फिर गिर रही है, नमक खा लिया है इसने यीशु का आज, किसका नमक खा लिया, देखो नमक में ताकत है। उठो बहन उठो उठो, लो लो नमक खाओ, आवाज 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 उठो उठो शाबाश, वहीं बैठे रहो बाकी सारे उठो शाबाश, सामने आओ मेरे, हाँ हाँ आ जा, देखो 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 आ नमक आ पिछड़ पिछड़ बाकी पिछड़ बाकी पिछड़ पिछड़ पीले छोड़ पिछड़ चल आ ले चल चल खाओ से खाओ आ, आ। ओ तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला तेरा पल्ला झुके 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 पल्ला I am going. You are going. क्या बोल रहा get out? अरे हमारा नमक खाकर तो इंग्लिश आ जाती है, अच्छा अच्छा हालेलुया। सुन रहे हो? बोल रही है नमक खाकर I am going. सारे बोलो हालेलुया। आज नमक खाना सारी बीमारियां तुम्हारे अंदर से going. ओ तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला तेरा पल्ला झुके पूरी कदे भी ना किसे वाले जावा। आज सब अपनी सांस को जाकर क्या कहोगे, बोलो तकड़ी हो जा,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਮਕ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੋ ਨਮਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਰ ਕੋ ਖਿਲਾਇਆ ਚਾਰ ਕੀ ਚਾਰ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਚਾਰੋ ਅੰਜੂ ਹੈ ਚਾਰੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਚੋੜੀਆ ਕੀ ਆਈ ਥੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਜੂ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ ਕਿ ਚਾਰੋ ਇਤਰਾ ਦੌੜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਕੇ ਆਓ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਛੂ ਲੂਗਾ ਦੌੜ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਕਸਾ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇ ਦੌੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਿਕਲ ਜਾਓ बच्चे के साथ आओ अगले हफ्ते यीशु मसीह के नाम में आमेन प्रेगनेंसी के साथ हालेलुया भूल गया था 9 महीने के बाद आता बेटा अपने हाथों को उठाओ मिराकल हो यीशु मसीह के नाम में साइड में हो जाओ हाले ये ले ले नमक ले ले नमक नमक लो 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 नमक इधर कर कैमरा नमक आए नमक खाओ हमारा नमक खाओ लो खाओ आगे बैठोगे सबसे आगे बैठोगे लो नमक खाओ नमक खाओ नमक खाओ नमक 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 है क्या बोल रहा माइकर क्या बोल रहा है लड़की को मार दिया हूँ इसके बच्चे को मिसकैरेज कर देती हूँ होने लगी बैठा रहो नीचे स्क्रीन पर देखो कोई आगे नहीं आएगा अभी बुलाया नहीं है चलो देखिए नीचे बैठो नीचे इसको बैठा नहीं होने देंगे मेरे को दिखा इसको खिलाया पिलाया एक खिलाया पिलाया अरे इसका बच्चा नहीं होने देना इसको एक बच्चा पेड़ में देखो ओए दूर से कैमरा कर सब पर इसका बच्चा पेड़ में मार डालती हूं मैं इसको बच्चा पेड़ में मार सर पर कैमरा दिखा मैं मार देती हूं मैं बच्चा नहीं होने दूंगी मैं बच्चा नहीं होने देंगे ए बहुत चर्चा आती है ए बजिंदर का पास्टर का